सो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को लाइटरूम ऐप की मदद से कुछ इसी टाइप की फोटो एडिट करना सिखाने वाला हूँ केवल 4 स्टेप में। तो जो भी भाई इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा वो भी इस टाइप की फोटो एडिटिंग बिल्कुल 4 स्टेप में कर लेगा केवल लाइटरूम ऐप की मदद से। और आपका भाई 110% लिख के देता है, गारंटी के साथ बोलता है कि जो भी भाई वीडियो को लास्ट तक देख लेगा वो भी अपनी फोटो को कुछ इसी टाइप से एडिट कर पाएगा बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि आपका भाई बहुत ही आसान तरीका इस वीडियो के अंदर बताया है। तो सबसे पहले आपको गाइस क्या करना होगा, अपनी गैलरी से ओरिजिनल फोटो को लेना होगा और लेने के बाद सिंपली इसकी शेयर के आइकन पे आपको क्लिक करके और इस वाली फोटो को हम लोग लाइटरूम के अंदर शेयर कर देंगे। और शेयर कर लेने के बाद मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूं, वहां पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूं। सो दोस्तों जैसे ही आप लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो कुछ इस टाइप की इंटरफेस आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ऑल फोटोज के आइकन पे आप क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे आपकी ये वाली फोटो देखने को मिल जाएगी जिसे हम लोगों ने अभी शेयर किया है। तो फोटो को ओपन कर लेंगे और ओपन कर लेने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको साइड में बहुत सारे ऑप्शंस गाइस देखने को मिलेंगे, तो आपको ऐसे स्क्रॉल करना होगा और स्क्रॉल कर लेने के बाद एक यहाँ पे ना कलर्स का आइकन मिलेगा यहाँ पे गाइस। तो कलर्स के आइकन पे आप क्लिक कर लीजिएगा और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस टाइप की इंटरफेस आप लोगों के सामने शो होने लगेगा। तो सबसे पहले इसकी टेम्प की वैल्यू गाइस हम लोग इंक्रीज करके यहाँ से 16% कर लेंगे और इसकी टिंट की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके यहाँ से -20 कर लेंगे। देन दोस्तों इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू इंक्रीज करके यहाँ से 22% कर लेंगे। देन दोस्तों आप ये सेटिंग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपको भी यही सेटिंग रखना होगा। और जैसे ही आप ये सेटिंग रखिएगा तो आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी। अभी तो ये फोटो काफी ज्यादा बेकार लग रहा है, लेकिन गाइस आपको ऊपर साइड में मिक्स टूल के आइकन पे क्लिक करना होगा कोने में, और यहाँ पे क्लिक करते ही आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस मिलेगी। तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना होगा, यहाँ से रेड कलर को लेना होगा और इसकी सैचुरेशन को हम लोग थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज करके 12% कर लेंगे। देन दोस्तों आप लोगों को उसके बाद यहाँ से ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना होगा और इसकी सैचुरेशन को हम लोग ऐसे डिक्रीज करके यहाँ से -29 कर देंगे और इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू इंक्रीज करके हम लोग 20% कर देंगे। और आप ये सेटिंग अच्छे तरीके से देखते चलिएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा भी अगर वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आप फोटो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे ऐसा। तो इसके बाद गाइस आपको यहाँ से येलो कलर को लेना होगा और इसकी सैचुरेशन को हम लोग -100 कर देंगे और ह्यू को भी -100 कर देंगे। देन दोस्तों आप लोगों को यहाँ से ग्रीन कलर को लेना होगा, इसकी भी सैचुरेशन को हम लोग -100 कर देंगे और ह्यू को भी -100 कर देंगे। देन दोस्तों यहाँ से आपको एक्वा ब्लू कलर को सिलेक्ट करना होगा, इसकी भी सैचुरेशन को हम लोग -100 कर देंगे और ह्यू को भी -100 कर देंगे। देन दोस्तों आपको यहाँ से ब्लू कलर को लेना होगा और इसकी भी सैचुरेशन को हम लोग पूरा ऐसा डिक्रीज करके -100 कर देंगे। और यहाँ से पर्पल कलर को लेके इसकी सैचुएशन को हम लोग ऐसे इंक्रीज कर लेंगे और ह्यू को भी इंक्रीज कर लेंगे। देन दोस्तों आप ये सेटिंग करते ही आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी। तो सिंपली गाइस अब इसके बाद आपको कोई भी सेटिंग नहीं करना होगा, एक छोटे से टिप्स को यूज करने वाला होगा, उसके बाद आपकी पूरी फोटो एडिट हो जाएगी। तो ऊपर साइड में डन के आइकन पे आप क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे मिक्स टूल के बगल में ग्रेडिंग का आइकन मिलेगा, तो इस पे गाइस हम लोग क्लिक कर लेंगे और क्लिक कर लेने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस मिलेगी। तो सबसे पहले आपको शैडो वाले में आके अपने फिंगर से ऐसे स्क्रॉल करके इसे ब्लू साइड में गाइस लेकर आइएगा और देखते देखते इसकी ह्यू को हम लोग 236% रखे हैं और इसकी सैचुरेशन को हम लोग 56%। और ऐसे आप नीचे आइएगा तो आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस मिलेगी। तो सबसे पहले इसकी ब्लेंडिंग की वैल्यू हम लोग इंक्रीज करके पूरा 100% कर लेंगे और इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके -52 कर देंगे। देन दोस्तों इसकी बैलेंस को ना हम लोग पूरा डिक्रीज करके देख सकते हैं -100 कर देंगे, मैं थोड़ा सा कम ही रख रहा हूँ, -88 रख रहा हूँ। देन दोस्तों इसके बाद आपको सिंपली क्या करना होगा ना, यहाँ पे शैडो वाले में सॉरी गाइज यहाँ पे हाईलाइट वाले में आना होगा और हाईलाइट वाले में आकर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ना पिंक साइड में लेकर चले आएंगे, थोड़ा सा बिल्कुल पिंक साइड में देख सकते हैं। थोड़ा सा इसकी भी ह्यू को हम लोग 285 रखें और सैचुएशन को यहाँ पे 32% और इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके -19% करके और ऊपर साइड में डन के आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। और डन के आइकन पे क्लिक करते ही आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइस इतना काम तो हम लोग का हो चुका है, तो उसके बाद इफेक्ट के आइकन पे जाएंगे, यहाँ पे इसकी क्लियरिटी की वैल्यू डिक्रीज करके -16 कर देंगे, टेक्सचर की वैल्यू इंक्रीज करके 32% कर लेंगे, डीआईएस की वैल्यू इंक्रीज करके 17% कर लेंगे
और इसकी विगनेट की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके यहाँ से देख सकते हैं -42 कर लेंगे, और इसकी मिड पॉइंट की वैल्यू भी हम लोग ऐसे डिक्रीज करके 19% कर लेंगे। और ये सारी सेटिंग करते ही आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से गाइज देखने को मिल जाएगी। तो गाइज तीसरे स्टेप में हम लोग डिटेल्स के आइकन पे आएंगे, शार्पनिंग की वैल्यू इंक्रीज करके यहाँ से देख सकते 39% कर लेंगे, मास्किंग की वैल्यू इंक्रीज करके 50% कर लेंगे, नॉइस रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके 14% कर लेंगे। और सेटिंग को अच्छे तरीके से देखते चलिए, और नीचे आके इसकी ना कलर्स नॉइस रिडक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करके 13% कर लेंगे, और स्मूथनेस को आप अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा, मैं यहाँ पे 70% रख लेता हूँ। और ये सारी सेटिंग करते ही आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से गाइज एडिट होके आ जाएगी। लेकिन गाइज अभी हम लोग अपनी फोटो के अंदर लाइट को एडजस्ट नहीं किए हैं, तो वो करते ही आपकी पूरी फोटो बवाल सी एडिट हो जाएगी। तो उसके लिए लाइट के आइकन पे जाएंगे और यहाँ से इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू इंक्रीज करके 33% कर लेंगे, और नीचे आके इसकी ब्लेड्स की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके 41% कर लेंगे माइनस साइड में। और ये सारी सेटिंग करते ही आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से एडिट होके आ जाएगी, जो देखने में काफ़ी औसम एंड फारसी दिख रही है। तो इस वाली फोटो को फुल HD में सेव करने के लिए शेयर के आइकन पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, आपका ये फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगा दीजिए गाइज, हो गया। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।